नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डेकन न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बहराई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको पता चले कि सड़क हादसे में करीबन एक व्यक्ति की मौत और 35 लोग मौके पर हुए घायल। महाराष्ट्र से मजदूरों को लेकर आ रही थी DCM मोटर वैन। खबर बहराई से है, सड़क हादसे में एक ही मौत, 35 लोग घायल। महाराष्ट्र से मजदूरों को लेकर आ रही थी DCM मोटर वैन, तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर टकराई पेड़ समेत बिजली के खंभे से। इस दर्दनाक हादसे लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कईयों की हालत नाजुक है। आसपास के लोगों का कहना है कि ड्राइवर की आंख रुकने से यह हादसा हुआ है। थाना फकरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरेनापुर पकड़िया कोठी के पास हुआ है। हादसे की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। इलाज के लिए घायलों को जनपद के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। आज सुबह MH03CV0429 एक कैंटर गाड़ी है, जिसमें करीब 38 लोग आ रहे थे और ये गाड़ी जो है फकरपुर थाना क्षेत्र में एक पेड़ से टकराने के बाद से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें जो सवार थे उनको काफ़ी चोटें आई। इसमें मौके पर एक आदमी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, जो जिला अस्पताल में उपचार के दौरान जिसकी डेथ हो गई। इसके अलावा बाकी 2 लोगों को उपचार के बाद यहाँ से छोड़ दिया गया है और 31 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, जिन्हें अभी सामान्य तौर पर चोटें हैं और वो इलाजरत हैं। इसमें शासन द्वारा सारे घायलों के विधिवत उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं और जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपये की सहायता तथा घायलों को 50,000। एडिशनल साहब, अभी एक सड़क हादसा हुआ है, कैसे हुआ है ये हादसा, कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत है? ये DCM गाड़ी सुबह के समय पटरी मतलब उतर के उससे रोड साइड की पटरी से उतर के और राइट साइड में एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें करीब 32 की संख्या में लोग थे, जो अभी तक जो पता चला है कि मुंबई से आ रहे थे और ये अधिकांश लोग इसमें से बहराइच के ही रहने वाले हैं। इनको सबको तत्काल हमारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। CO और मैं घटनास्थल पे हम लोग तत्काल पहुँच के और इन लोगों को भिजवा दिया गया है यहाँ सदर हॉस्पिटल। CMS साहब से वार्ता हो गई है और CMS साहब मौजूद भी हैं हमारे साथ। ये सबका ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है अच्छे से। एक आदमी की पोजीशन क्रिटिकल है, उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी ऐसे अन्य लोगों को जो चोटें आई हैं उनका प्राथमिक इलाज करके उन्हें जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो पूर्ण करते हुए उन्हें नियमित रूप से दे रहा है। कोई एक्सपायर भी है? एक व्यक्ति की अभी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, बाकी अन्य लोग। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।